हाय दोस्तों, हर हर गंगे, आप सबका हार्दिक स्वागत है रमेश कुमार वीब्लॉग्स में। अभी आप निर्मल जल की पावन दर्शन नई घाट से कर रहे हैं। आज हम आपको विष्णु घाट से लेके हर की पैड़ी महिला घाट तक का दृश्य दिखाने वाले हैं। अभी आप विष्णु घाट का दृश्य देख रहे हैं। हमारी आज की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी सारे श्रद्धालुओं के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन का आंसर अभी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। जल की जो धारा है आप देख रहे हैं काफ़ी तेज है, और तेज़ धारा में स्नान करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। और साथ में हरिद्वार की यात्रा आप कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों की अभी जानकारी रखनी ज़रूरी है। साथ में आपको ये भी हम बताएंगे कि अभी आपके लिए हरिद्वार यात्रा या फिर उत्तराखंड यात्रा सही रहेगा या नहीं। ये जो दृश्य देख रहे हैं ये है ऋषिकेश बाईपास से जब हम हर की पैड़ी की ओर आते हैं, गौ घाट का दृश्य। यहाँ तक का आपको ई रिक्शा मिल जाता है और यहाँ से हर की पैड़ी का डिस्टेंस मात्र 300 मीटर है। तो आप अगर इस मार्ग से आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा सुविधा होगी अगर आप पैदल आ रहे हैं, क्योंकि जो मेन मार्केट है अपर रोड मार्केट से आप अगर हर की पैड़ी आना चाहेंगे तो काफ़ी दूर चलना पड़ेगा और वहां पे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। मां मनसा देवी की सुंदर दृश्य टेंपल की आप अभी देख रहे हैं। मां मनसा देवी की यात्रा की हमने वीडियो बना रखी है, आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी और पूरी वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। अभी हम गौ घाट पे है, ये वाली ब्रिज से होके हम जा सकते हैं कुशा घाट, सुभाष घाट और हर की पैड़ी भी यहाँ से हम जा सकते हैं। शिव घाट का दृश्य आप देख के काफ़ी अच्छा आपको लगने वाला है। शिव घाट में काफ़ी अच्छा बैठने के ऑप्शन, साथ में स्नान करने के बाद स्नान के उपरांत जो चेंजिंग रूम की ज़रूरत होती है, चेंजिंग रूम का भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर सुविधा आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे हमें अभी जाना है हर की पैड़ी, और हर की पैड़ी शिव ब्रिज होके डायरेक्ट हम हर की पैड़ी पहुँच जाएंगे। जो बड़े बड़े बिल्डिंग देख रहे हैं ये धर्मशाला है जो सुभाष घाट पे है। आप यहाँ पे स्टे करने के लिए रूम ले सकते हैं। हमने काफ़ी सारे होटल धर्मशाला का वीडियो बना रखा है, आप जाके ज़रूर कांटेक्ट करें पहले, उसके बाद ही आप वहाँ पे जाएं। यहाँ पे आदृश्य देख रहे हैं शिव घाट का, जैसे कि हमने पहले बताया था यहाँ पर काफ़ी हरे भरे पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधे के नीचे यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे होंगे विश्राम करते हुए। आप अगर हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप अभी कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहाड़ों में जाने से पहले आप मौसम की जानकारी ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि हरिद्वार में बारिश नहीं हो रही है, काफ़ी कम बारिश हो रही है, नहीं के बराबर, और पहाड़ों में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। क्योंकि जल की जो गति तेज़ आपको दिखाई दे रही है ये है पहाड़ों में तेज़ बारिश की वजह से। आप देख रहे हैं हम आ चुके हैं शिव घाट, और शिव घाट में काफ़ी सारे श्रद्धालु माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान करते वक्त सावधानी पूर्वक स्नान करें, और अभी हम आपको दृश्य दिखाएंगे। जल की तेज़ गति आप देख रहे हैं आपके सामने है, और ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि पैर फिसल सकता है, पैर फिसलने के बाद बैलेंस बिगड़ जाता है
और जल की तेज धारा है, उसकी वजह से आपको या फिर किसी और को परेशानी हो सकती है। यहाँ पे घटना कुछ न कुछ होती रहती है, इस कारण हम आपको हमेशा बोलते रहते हैं कि आप सब स्नान करें सावधानीपूर्वक। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है स्नान करने के लिए, आप अपने इच्छा के अनुसार कैसे भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन सावधानीपूर्वक। हम आ चुके हैं शिव ब्रिज पे, और शिव ब्रिज से हर की पैड़ी, धनुष ब्रिज और साथ में ये वाली मार्ग भी हर की पैड़ी की ओर जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सारे रिक्शे लगे हुए हैं जो कि बस स्टैंड या फिर ऋषिकेश बाईपास तक ही आपको ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से आपको मात्र 200 मीटर का डिस्टेंस है हर की पैड़ी, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। रिक्शे वाले को अगर आप बस स्टैंड से आ रहे हैं या फिर रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो रिक्शे वाले को आप बोलिए कि आप हर की पैड़ी तक हमें ड्रॉप करें या फिर आप हमें ऋषिकेश बाईपास यानी शिवघाट तक का ड्रॉप करें। देख रहे हैं जल की गति की सुंदर दृश्य आप, और हम अभी चल रहे हैं आगे की ओर हर की पैड़ी की ओर। शिव ब्रिज में आप देख रहे हैं काफी सारे बच्चों के गिफ्ट आइटम के शॉपिंग आप कर सकते हैं, और जैसे ही नई घाट में हम आएंगे तो नई घाट का दृश्य आप अभी देख रहे हैं। काफ़ी सुंदर दृश्य यहाँ से जल का हमें दिखाई देता है, और यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु भी स्नान कर रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर गंगे।